प्रभु ने अपनी छत्र छाया में उसे सुरक्षित रखा और अपनी आंखों की पुतली की तरह उसकी रक्षा की। प्रभु ने गरुड़ की तरह पंख फैलाकर उसको ऊपर उठाया और उसे अपने कंधों पर वहन किया। प्रभु स्वयं उसका पथ प्रदर्शक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिसम प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों एवं बच्चों, आज महीने का पहला दिन और माता कलिसिया बालक यीशु की संत तेरेसा कुंवारी और धर्मचर्य का पर्व मनाती है। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सभी निवेदनों को याद करते हैं, साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि बालक यीशु की संत तेरेसा की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु सभी पर अपना अनुग्रह बरसाए। सभी निवेदनों को याद करते हैं और आज जो भी संत तेरेसा के संरक्षक, जो उनकी संत रही है, उनका नामकरण दिवस है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं अपना त्यौहार मना रही है, उनकी संस्था के लिए भी संत तेरेसा की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना की याचना करते हैं। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हम प्रभु से अपने सभी गलतियों कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने ते कुआरी धन्य मरियम से सब स्वर्ग दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करे ईश्वर तेरा राज उन्हीं लोगों का है जो बच्चों की भांति दीन बनते हैं। हम भरोसे के साथ संत तेरेसा के सरल मार्ग पर चले और उनकी मध्यस्थता द्वारा एक दिन तेरी शाश्वत महिमा के दर्शन करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 10-14। पाठ का मूल वाक्य मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे उसके कारण आनंदित हो उठो। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहला उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे लिए
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बैतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तिरुस और सिदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तिरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाऊन, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज यदि प्रभु हमारे समुदाय में आते तो वे क्या कहेंगे? जब वह किसी समुदाय में जाएंगे जहां पर देखेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, तो वह क्या कहेंगे और हमारा मनोभाव क्या रहेगा? बैतसाइदा और कोरेजन धन्य नगरी थी। धन्य इसलिए हुई क्योंकि प्रभु के पैर या पग उस नगरी में पड़े और प्रभु वहां पर बैतसाइदा और कोरेजन में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार किए। और वहां पर प्रभु चाहते थे कि उनका मन परिवर्तन हो, परंतु वहां के नगर के लोगों ने प्रभु को अस्वीकार किया, प्रभु की बातों को नजरअंदाज किया, उनके कार्यों को नजरअंदाज किया और उन्हें नहीं स्वीकारा, प्रभु के वचन को नहीं स्वीकारा। और इसलिए प्रभु तरस खाकर कहते हैं कि कोरेजन और बैतसाइदा, तुम अधोलोक तक नीचे गिरा दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु को जब अस्वीकार किया तो उन्होंने उस पिता ईश्वर की इच्छा को अस्वीकार किया, जो स्वयं ईश्वर के पुत्र उस नगरी में गए और लोगों के साथ जो बातें करी और जो प्रभु के ईश्वर के नज़दीक लाने के लिए लोगों को जो कोशिश की वह बिल्कुल सब बेकार चला गया। और इसलिए प्रभु तरस खाते हैं। प्रभु उस नगर के लोगों के पश्चाताप के लिए आह्वान करते थे, वह चाहते थे कि वह अपने पाप से विमुख होकर वह प्रभु के पास लौटे ईश्वर राज्य के लिए, ताकि प्रभु के ईश्वर राज्य के वह सानिध्य में रहे। और हम देखते हैं कि जब कभी भी मन परिवर्तन की बात होती, पश्चाताप की बात रहती, तो वहाँ पर एक बदलाव होना, एक चेंज आना है। प्रभु जो लोग पाप कर रहे थे उनके विरुद्ध नहीं थे, प्रभु विरुद्ध थे उस पाप के विरुद्ध, और वो चाहते थे कि लोगों का मन परिवर्तन हो और उनका विनाश न हो, बल्कि वह स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, जिसे स्वयं पिता ईश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वे तुम मेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनो और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो जो कि हमारा अंतिम पड़ाव है। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी बात को सुनते हैं तो हम उसे अपनाते हैं, परंतु कोरेजन और बैतसाइदा के लोगों ने प्रभु की बात को अनसुनी करके बिल्कुल नहीं अपनाया। और इसलिए प्रभु गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी दशा बहुत असहनीय रहेगी। एक छोटी सी कहानी है कि जहाँ पर एक पायलट जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर काम कर रहा था, और जब वहाँ पर उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब उनके कमांडर ने कहा था कि प्लेन से जब हम कूदते हैं तो उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, और वहाँ बताते समय ही जब उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरा जहाँ पर
आठ या दस जो पायलट है वह वहाँ से प्लेन से कूदे और हम और वो सब देख रहे और उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि नौ जो आर्मी के लोग थे वो जो कूदे उनके पैराशूट्स खुल गए लेकिन एक व्यक्ति का नहीं खुला और उनके सामने ही देखते देखते वह व्यक्ति उस जमीन पर गिरा और लहूलुहान हो गया और वह मर गया। कहने का तात्पर्य कि जब लोगों की बात जो इंस्ट्रक्शन देते हैं जो उसको यदि हम उसे ढंग से नहीं सुनते हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते कभी कभार हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ही पड़ाव आएंगे जहां पर हमको ऐसा लगेगा कि काश हम उनकी बात को मान लेते। आज के समय में वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के विचार हैं कि हमें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो घर में ही बैठकर प्रार्थना कर लेते हैं, हमें मत सिखाओ, हम जानते हैं हमको क्या करना है, अब हमको सही गलत मालूम है, आप हमको मत सिखाओ। हमें पाप स्वीकार संस्कार लेने के लिए जरूरत नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, क्रिसमस के पहले, ईस्टर के पहले, या फिर जब कभी भी मृत्यु के पहले जब हमारा अंतिम संस्कार रहेगा हम पाप स्वीकार कर लेंगे। और मुझे उस फादर के पास पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे मालूम है कि वो तो मेरे से ज़्यादा अधिक पापी है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ, क्यों वो मेरे पाप क्षमा करेगा, मैं तो स्वयं प्रभु से ही माफ़ी मांग लूँगा। हम हमारे टीचर्स, एल्डर्स, माता पिता उनसे भी यही कहते हैं कि हमें आपकी बात नहीं सुनना, आप हमको मत सिखाओ, मुझे मालूम है, हमें मालूम है हमें क्या करना है। लेकिन कभी कभार जिंदगी में जब ऐसी बात आती है, ऐसा समय आता है जब हमें नाकामयाबी मिलती है या फिर हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है तब हमें आभास होता है कि काश मैं मेरे मम्मी पापा या उनकी मेरे दोस्त या एल्डर्स की बात मान लिया होता या होती। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु छोटे छोटे समय में ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएँ देकर याद दिलाता है कि तुम्हें मेरे पास लौटने की ज़रूरत है, तुम्हें संभलने की ज़रूरत है। हम स्वयं अपने अंतरात्मा की जांच कर देखिए कि क्या हम वो छोटी छोटी बातें जब हम बाइबल पढ़ते हो या फिर मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए या अपने टीचर से बात करते समय या पेरेंट्स से बात करते समय हम उसे कितना अपनाते हैं या हम उसे अस्वीकार करते हैं, उन लोगों को अस्वीकार करते हैं, उनकी बातों को अस्वीकार करते हैं अपने अहम के कारण। प्रभु फिर से बेतसाइदा कोरेजिन के समान हम सभी को आह्वान कर रहे हैं कि हमें प्रभु के पास लौटने की ज़रूरत है, प्रभु को सुनने की ज़रूरत है, प्रभु को अपनाने की ज़रूरत है। और वह डायरेक्ट प्रभु से नहीं रहेगी, वह हमारे कलीसिया से आएगी, चर्च से आएगी, मिस्सा बलिदान के द्वारा आएगी, धर्म ग्रंथ के पठन के द्वारा आएगी, हमारे टीचर्स, एल्डर्स, माता पिता के बातों के द्वारा वह बात आएगी। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा बाल सुलभ मनोभाव दे, एक बच्चे की भांति हम हर एक चीज़ों को सीखने के लिए ललायित रहे, उसे माने ताकि हमारा जीवन सफल रहे और हम प्रभु के सच्चे बच्चे बंदे रहे। पिता और पुत्र अपवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तूने चाहा
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत तेरेसा के जीवन में तेरे चमत्कारों को देखकर हम तेरा गुणगान करते हैं। जैसे उनके पुण्य कर्म तेरी दृष्टि में प्रिय थे, वैसे ही हमारे सेवा कार्य भी तुझे पसंद आए। हमारे विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह चित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यह शोभनीय कि उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाए जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों के प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम सब स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिद्ध आ चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत तेरेसा, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखे। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप भर लेते हैं।
धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु ये कहते हैं, यदि तुम अपना मन परिवर्तन कर छोटे बच्चों जैसे नहीं बन जाते तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर संत तेरेसा ने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया था ताकि वह सब मनुष्यों के लिए तेरी दया प्राप्त कर सके। इस संस्कार के फल स्वरूप हमारा हृदय भी उसी प्रेम से प्रदीप्त कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Baby।